तो लास्ट क्लास में हम लोग जो कर रहे थे वो टॉपिक था हमारा सीड। आज हम आपको एनसीईआरटी पेज नंबर आप देख रहे हैं 37, हम आप ही के बुक का डायग्राम हम आपको दिखला रहे हैं। ये डायग्राम मेंस के लिए डायग्राम, ये डायग्राम हम आपको बोर्ड पर बना के दिखलाए हुए हैं। बुक क्यों दिखला रहे हैं, इसका पर्पस है, पर्पस ये है कि जब आप मेडिकल एग्जाम देंगे तो जो जो पिक्चर यहाँ पर या जो फिगर आपको यहाँ पर दिखलाई दे रहा है वो दो तरीके से पूछा जाता है। पहला तो ये फिगर डाला हुआ रहेगा और जो इसके लेवलिंग को आप देख रहे हैं, जो चारों तरफ से लेवल्ड किया गया है, जो नेम लिखा हुआ है चारों तरफ से, वो नहीं रहेगा, वो ए बी सी या डी तक लिखा हुआ रहेगा। और आपसे पूछा जाएगा च्वाइस के हिसाब से कि आप बताइए ये कौन सा नाम वहां पर मिसमैच है, मतलब कि गलत लिखा हुआ है या सही लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन होगा कि फिगर दिया हुआ रहेगा, लेबलिंग जो किया हुआ है वो कुछ नहीं रहेगा, केवल आपको पहचानना रहेगा कि ये फिगर किसका है। जैसे सबसे पहला फिगर अगर हम देखें साइड से तो ये बीम के लिए है, सेम के लिए है। दूसरा फिगर अगर देखेंगे हम लोग तो ये कैस्टर के लिए है, कैस्टर रेडी जिसको कहते हैं रिसिनस कम्युनिस, और बीम जिसको कहते हैं हम लोग डॉलिकस लैबलब या लैबलब बीम के नाम से हम लोग जानते हैं। थर्ड जो यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है ये ओनियन के लिए है, एलियम सेपा जिसको हम लोग बोटेनिकली कहते हैं, और ये फिगर तो हम आपको दिखला ही चुके हैं जिसका नाम जीमेज है। तो याद रखना है, तो दो तरीके से क्वेश्चन आएंगे और ये क्वेश्चन के लिए आप रेडी रहेंगे, क्योंकि आपके बुक में जो फिगर है एनसीईआरटी का वो काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जब आते हैं मेडिकल एग्जाम्स में तो उसके लिए इस प्रकार की तैयारी होनी चाहिए। तो हम आपको फिगर में सबसे पहले दिखलाए थे पिछले दिन आपको जी मेज ओनियन के लिए, आज हम लोग लिख लें जी मेज तक हो गया था, हम कर लिए थे ओनियन एलियम सेपा। जस्ट आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड में है जी मेज वाले फिगर के बगल में एलियम सेपा, इसके ठीक ऊपर में लेफ्ट साइड से सबसे पहला फिगर जो दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ है, बीम का, लैबलब बीम जिसको कहेंगे डॉलिकस लैबलब, डॉलिकस लैबलब। एलियम सेपा और जो राइट हैंड साइड में है वो है कैस्टर, रिसिनस कम्युनिस, रिसिनस कम्युनिस। इस पर सवाल क्या आता है, ये एंडोस्पर्मिक होता है, इसमें एंडोस्पर्म होते हैं, एंडोस्पर्मिक, इसमें पेरिस्पर्म भी होता है, इसलिए कहते हैं पेरिस्पर्मिक विथ कैरेक्टर, और इसमें कैरेक्टर भी होता है। कैरेक्टर क्या होता है, अब ये क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एंडोस्पर्मिक पेरिस्पर्मिक सीड विथ कैरेक्टर इज, आंसर क्या होगा, कैस्टर, या चॉइस में सिर्फ रिसिनस रह सकता है या पूरा रिसिनस कम्युनिस रह सकता है। कैरेक्टर है एन ऑर्टर इंटरमेंट्री ऑटोग्रोथ, एन ऑर्टर इंटरमेंट्री ऑटोग्रोथ एट माइक्रोपाइलर एंड, तो ये क्वेश्चन हो गया इंपॉर्टेंट कैस्टर के लिए। कैस्टर में जो एंडोस्पर्म है इससे कैस्टर ऑयल निकाला जाता है, और कैस्टर ऑयल नॉन एडेबल है, ये हम लोग खाते नहीं है, और इस ऑयल में रिसिन प्रोटीन होता है, रिसिन, ओके, नेम में रिसिनस लगा हुआ है,
डिसीन प्रोटीन इज अ टॉक्सिक प्रोटीन, ये एक जहरीला प्रोटीन होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, रिसीन कहाँ मिलेगा, रिसीन प्रोटीन टॉक्सिक प्रोटीन। ये कैंसर से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन आते हैं वो हम आपको बताएं। कभी कभी क्वेश्चन आता है पेरिस्पर्मिक सीड कौन सा होगा, पेरिस्पर्मिक सीड याद कीजिए, पेरिस्पर्म क्या होता है, पेरिस्पर्म इज रिमेन्स ऑफ न्यूसेलस, रिमेन्स ऑफ न्यूसेलस होता है और परसिस्टेंस ऑफ न्यूसेलस। ये सब जो सेंटेंस है इस पर क्वेश्चन मेडिकल एग्जाम में कई दफा आ चुका है, तो पेरिस्पर्मिक सीड के लिए इसलिए हम मार्क कर देते हैं। पेरिस्पर्मिक सीड के लिए क्या आंसर हो सकता है, तो आंसर है ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर। जब हम लोग गोल मिर्च खाते हैं ब्लैक पेपर, उसमें पेरिस्पर्म खाते हैं। दूसरा है कॉफी, कॉफी जो पीते हैं आप, कॉफी सीड्स, उसमें भी आप पेरिस्पर्म खाते हैं, चिलगोजा में भी खाते हैं। और इसके अलावा टर्मेरिक हल्दी में भी ये होता है, लेकिन जो ब्लैक पेपर सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग ब्लैक पेपर को हम लोग ब्लैक गोल्ड ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, ब्लैक पेपर, ब्लैक गोल्ड ऑफ इंडिया। अब देखिए सीड से रिलेटेड ढेर सारी बातें, सीड का जर्मिनेशन कैसे होगा, ये सब ऑलरेडी हम लोग 11th के क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं। फैक्टर्स कौन कौन सा चाहिए सीड को जर्मिनेट कराने के लिए, तो मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स यूनिट 2, जिन लोगों को डिटेल्स चाहिए जर्मिनेशन के संबंध में बात, और जो लोग नहीं पढ़े हैं अगर, तो वो एक बार जरूर देख लें मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स यूनिट 2, जिसमें आपको फ्रूट सीड्स के बारे में जानकारी मिलेगी और सीड्स के बारे में जर्मिनेशन तक डिटेल्स दिया हुआ है। आज हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, इंडो वर्ड कमिंग होता है विदिन, स्पर्मा का मतलब होता है सीड, यानी सीड के अंदर में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिसमें फूड रिजर्व होता है एम्ब्रियो के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए। तो एंडोस्पर्म क्या होता है, स्टोर्ड फूड, स्टोर्ड फूड फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो। Inside seed, जिस सीड में एंडोस्पर्म होगा एंडोस्पर्मिक सीड, जिसको आप एल्बुमिनस सीड के नाम से जानते हैं, ये होते हैं मोनोपॉड्स, और मोनोपॉड्स में भी मेनली होते हैं सीरियल्स और मिलेट्स, सीरियल्स प्लस मिलेट्स। सीरियल्स में आप लिखते हैं राइस, व्हीट, मेज, और मिलेट्स में लिखते हैं आप ज्वार बाजरा, ज्वार और बाजरा एटसेट्रा। ये सब जो नेम आप यहां पर देते हैं, इसमें एंडोस्पर्म मौजूद होता है। एंडोस्पर्म एंडोस्पर्म परसिस्ट
इवन एट द टाइम ऑफ सीड जर्मिनेशन, जब सीड का जर्मिनेशन होता है तब तक ये इसमें मौजूद रहता है। और दूसरा सीड अगर बात करें जिसमें एंडोस्पर्म बहुत अर्ली स्टेज में ही कंज्यूम्ड हो जाता है, खत्म हो जाता है, अगर हम उसकी बात करें तो वो कहलाता है नॉन एंडोस्पर्मी। अब जैसे आप नारियल खाते हैं, कोकोनट खाते हैं, तो कोकोनट एक एंडोस्पर्मिक सीड है क्योंकि उसमें एंडोस्पर्म एग्जिस्ट करता है, जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में। लेकिन वहीं पर अगर हम डायकॉट की बात करें तो डायकॉट में कॉटिलेडन्स में फूड स्टोर होते हैं, इसलिए एंडोस्पर्म को ज्यादा दिनों तक एग्जिस्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। वैसे सीड को हम लोग कहेंगे नॉन एंडोस्पर्मी। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए नॉन एंडोस्पर्मी, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड या नॉन एल्बुमिनस सीड, नॉन एल्बुमिनस सीड, तो आंसर यहां पर आप मोनोकॉट के बदले में डायकॉट लिखेंगे। जितने भी डायकॉट है वहां पर आपको इस प्रकार का कंडीशन देखने को मिलेगा। चलिए डायकॉट में एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे पी है, बीन है, ग्राउंडनट है, ये सब इसके लिए एग्जाम्पल में आएंगे। लेकिन वहीं पर कैस्केड, जो भी आपको फिगर में हम आपके बुक में भी दिखलाए हैं और उसके एवज में बगल में भी लिख करके अभी बोर्ड पर आपको बहुत सारा चीज समझाए हैं, तो उसमें हमने बताया है कि कैस्केड एक डायकॉट है लेकिन उसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। लेकिन इस सब में एंडोस्पर्म खुद पहले ही कंज्यूम हो जाता है। तो एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम्ड, एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन द अर्ली स्टेज अब सवाल है कि ऐसा क्यों होता है? बिकॉज फूड इज स्टोर्ड इन कॉटिलेडन्स, इसमें कॉटिलेडन्स मोटे होते हैं और कॉटिलेडन्स में ही फूड स्टोर्ड होते हैं। That is before seed germination. अब तीन फाइबरी है जिसमें एंडोस्पर्म नहीं होते हैं। एंडोस्पर्म इज एब्सेंट इन ऑर्किडेसी, जैसे ऑर्किड ऑर्किड में नहीं होता है, ट्रापा जिसको आप वाटर चेस्टनट के नाम से जानते हैं, यहां ये मौजूद नहीं होता है, एब्सेंट होता है एंडोस्पर्म।
या बट नया एंडोस्पर्म कहाँ एब्सेंट होगा, तो ये आप एग्जांपल देंगे, ये आंसर होगा। अब एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। चलिए देखते हैं, जब आप एक ओव्यूल देते थे ये एंड माइक्रोपायल एंड था, एम फॉर माइक्रोपायल एंड सी फॉर चलाजा एंड था। अब याद कीजिए यहां पर फर्टिलाइजर के बाद जायगोट बना था, जो एक था वो फर्टिलाइज होकर के जायगोट बना था, और जो यहां पर सेंट्रल सेल था जिसमें पोलर सेल न्यूक्लियस हुआ करते थे, वो सेंट्रल सेल चेंज हो गया था फर्टिलाइजेशन के बाद, जिसका नाम है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो चलिए यहाँ का एक नाम हम देते हैं जिसका नाम है, ये नाम होगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अब ये इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो होगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जैगोट डिप्लॉइड है 2n और ये न्यूक्लियस 3n है, ट्रिप्लॉइड होते हैं, जनरली एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात कर रहे हैं। तो हम लोग तो पढ़ाई कर रहे हैं वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं, और यहां पर प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल ट्रिप्लॉइड होता है, 3n होता है, और उसके न्यूक्लियस जो होते हैं वो भी ट्रिप्लॉइड होते हैं, 3n होते हैं। अब ये कैसे चेंज कर जाएगा एंडोस्पर्म में उसको देखिए, इस न्यूक्लियस में सी न्यूक्लियर डिवीजन होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मीन्स हम आपको समझा देते हैं। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मीन्स होता है कि सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होगा, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन जिसको आप साइटोकाइनेसिस कहते हैं वो नहीं होगा, केवल न्यूक्लियस का डिवीजन होगा जिसको आप कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। जैसे एक न्यूक्लियस से दो बनेंगे, दो से चार बनेंगे, हर बार ये मल्टीपल होता जाएगा, वन से टू, टू से फोर, फोर से एट, ऐसे होता जाएगा, और साथ में एक सेंट्रल फैक्टर एपियर होगा, सेंट्रल वैक्यूल एपियर, वैक्यूल एपियर एट द सेंटर। अब देखिए ये स्ट्रक्चर जो भी आप यहां देख रहे हैं ऐसा है, अब यही इसी स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब ये स्ट्रक्चर यहां पर चेंज कर जाएगा, ये स्ट्रक्चर यहां पर अब ऐसा नजर आएगा, लगेगा कि सेंटर पर एक वैक्यूल हो गया है और ढेर सारे न्यूक्लियस किनारे किनारे पेरिफेरल रीजन में न्यूक्लियस आ गए हैं, ऐसा दिखलाई देगा स्ट्रक्चर। बाद में ये चेंज हो जाएगा एंडोस्पर्म में, ये वैक्यूल डिसअपीयर, वैक्यूल गायब हो जाता है, वैक्यूल डिसअपीयर, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस को सराउंड कर लेगा, साइटोप्लाज्म सराउंड न्यूक्लियस, अब ये संलग्न हो जाता है। इस प्रकार के एंडोस्पर्म को आप कहेंगे फ्री न्यूक्लियर टाइप एंडोस्पर्म, और ये नंबर वन वैरायटी होगा, इसको कहेंगे फ्री न्यूक्लियर टाइप एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर
टाइम एंडोस्पर्म, और ये मोस्ट कॉमन है, मैक्सिमम फैमिली जो फ्लावरिंग प्लांट्स का है, मोस्ट कॉमन टाइप एंडोस्पर्म इसको कहेंगे, क्योंकि मैक्सिमम एंडोस्पर्मिक प्लांट्स यानी फैमिलीज में इसी प्रकार का एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, मोस्ट कॉमन टाइप। तो मोस्ट कॉमन टाइप एंडोस्पर्म इज फ्री न्यूक्लियर टाइप एंडोस्पर्म। अब जैसे आप टेंडर कोकोनट पीते हैं पानी, टेंडर कोकोनट वाटर, ये फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपके लिए, टेंडर कोकोनट वाटर इज, तो आंसर होगा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। This is the answer. So, VBN question. Neat Medical में पूछा हुआ question है कि जो नारियल का पानी हम लोग पीते हैं वो क्या पीते हैं? The tender का means है कि जब ये कच्चा है, immature है, immature coconut, जिसको काट करके आप पाइप लगा करके जो पानी पीते हैं वो क्या पीते हैं? तो आंसर यानी कि वहां का पीने वाला पार्ट क्या होगा, तो आंसर है free nuclear endosperm, ये आपका आंसर होगा। अब कुछ लोग पूछेंगे जैगोट का क्या होगा? जैगोट एम्ब्रियो में तब तक चेंज नहीं करेंगे जब तक ये एंडोस्पर्म नहीं बन जाएगा। तो जैगोट अपने जगह पर अभी है, जैगोट माइक्रोपायलेट पर अभी भी है, ऐसा नहीं है कि वो गायब हो चुका है, जैगोट अभी भी अपने जगह पर है। एम फॉर माइक्रोपाइल, माइक्रोपायलेट पर है, सी फॉर टेलाजल एंड। अब देख रहे हैं आगे हम लोग देखेंगे कि इस जैगोट से कैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। देखिए कभी कभी अदर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे अभी हम आपको बताएं एक फ्री न्यूक्लियर टाइप एंडोस्पर्म, अब देखिए ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, सी फॉर सेल एंड फॉर न्यूक्लियस, जो क्रियन है यानी ट्रिप्लोइड है, इसमें ऐसा हो जाए कि न्यूक्लियस का भी डिवीजन हो एक बार और साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन हो एक बार, सो सिंगल न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के चारों ओर होता है, ये न्यूक्लियस है और उसके चारों ओर जो फ्लूइड है वो साइटोप्लाज्म है, और सोचिए ये पार्ट ऐसे हो गया, अब दिखाई दे रहा है कि ऐसा दो न्यूक्लियस बना और जो चारों तरफ जो सराउंडिंग जो साइटोप्लाज्म है वो इसको घेर करके एक अलग सेल बना लिया, ये अलग सेल बन गया। अब ये साइटोप्लाज्म को आप देखें, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के चारों ओर दो सेल बन गया। अब ये दोनों न्यूक्लियस में अब क्या हो जाए, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन स्टार्ट हो जाए, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, अब इसमें हो जाए फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, अब बताइए फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो गया अब तो ये फिर दोनों ऐसा नजर आएगा ना, अब इस प्रकार जो भी एंडोस्पर्म यहां पर बनकर के तैयार होगा उसको आप क्या नाम देंगे? तो आंसर है हेलोबियल टाइप एंडोस्पर्म, हेलोबियल एंडोस्पर्म।
नाम हेलोबियन टाइप एंडोस्पर्म हो जाएगा। अब ये हेलोबियन टाइप एंडोस्पर्म कहां होगा? एग्जांपल है एलिस्मा बेसेला में होगा। अब देखिए ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन है जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये केवल मेडिकल वालों के लिए है, प्लस टू वालों के लिए नहीं है। जो लोग नीट मेडिकल का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए इस प्रकार का कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। या इसमें क्या हो जाए, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का लगातार डिवाइड करता चला जाए, एक बार न्यूक्लियस और फिर उसको चारों तरफ से साइटोप्लाज्म अगर घेर के तीसरे प्रकार के एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा जिसको कहेंगे सिमिलर टाइप एंडोस्पर्म। अब ये सिमिलर टाइप एंडोस्पर्म कहां होगा? एग्जांपल है सोलेनेसी फैमिली में। अगर देखिए सोलेनेसी फैमिली में जैसे ब्रिंजल है, दतुरा है, यहां पर आपको ऐसा मिलेगा। इसमें क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। जैसे एक बार न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, एक बार साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, एक सेल से दो बनेंगे। जैसे वन सेल है, अभी ये सिंगल सेल है, इससे दो सेल बनेंगे, फिर चार बनेगा, हर बार डबल होता जाएगा एंड सो ऑन। तो वन से टू, टू से फोर, फोर से एट, सिक्सटीन, 32 होते होते ढेर सारे बन जाए सेल, तो आप इसको कहेंगे सेलर टाइप एंडोस्पर्म या सेलर एंडोस्पर्म। अब कुछ खास क्वेश्चन जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपसे कोई पूछेगा कि डबल एंडोस्पर्म कहाँ होगा, तो डबल एंडोस्पर्म कोकोनट में होंगे और डबल एंडोस्पर्म में सॉलिड एंड लिक्विड दोनों प्रकार का एंडोस्पर्म यहां पर होता है, सॉलिड एंड लिक्विड। जो सॉलिड एंडोस्पर्म है एक्चुअली सिंगल एंडोस्पर्म है, और जो लिक्विड एंडोस्पर्म है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। दूसरा क्वेश्चन है मोज़ेक एंडोस्पर्म कहां होगा, तो मोज़ेक एंडोस्पर्म मेज में होगा, जी मेज। ये मोज़ेक एंडोस्पर्म क्यों होगा, ड्यू टू ज़ेनिया। फिर एक वर्ड आ गया, ज़ेनिया क्वेश्चन हो जाता है कि ज़ेनिया क्या होता है, तो ज़ेनिया डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ पॉलन रेन्स ऑन द एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो कॉल्ड ज़ेनिया, एंड ज़ेनिया वाज डिस्कवर्ड बाय
जेनिया वॉज डिस्कवर्ड बाय इसको ऊपर लिखते हैं ताकि आपको दिखाई दे ओके फोके नाम के साइंटिस्ट के द्वारा जेनिया का खोज होता है खोज हुआ सॉरी अब देखिए दूसरा टर्म आ जाता है मेटाजेनिया हिंदी मेटाजेनिया क्या है तो इफेक्ट ऑफ पॉलीट्रेट आउटसाइड एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो दैट इज सीड पूल स्टार्टिंग में सीड कहलाता है और देखिए डायग्राम अभी आप ड्रॉ किए थे ऐसा डायग्राम था और यहां पर आप अभी एंडोस्पर्म बनाए थे और यहां जैगोट से एम्ब्रियो बनेगा तो इस पोर्शन पर अगर इफेक्ट होगा तो आप कहेंगे जेनिया और ये जो इंटरगुमेंट है इंटरगुमेंट्री पोर्शन पर अगर इफेक्ट पड़ेगा तब आप उसको कहेंगे मेटाजेनिया तो अंदर वाले पोर्शन पर जेनिया और बाहर वाले पोर्शन पर क्या होगा मेटाजेनिया एंड मेटाजेनिया वाज डिस्कवर्ड बाय आंसर इज स्विंकल In date 1914 जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि एक येलो मेज जिसमें येलो एंडोस्पर्म है उसमें अगर आप व्हाइट मेज से क्रॉस कराते हैं व्हाइट मेज सोचिए जो पहला F1 ऑफस्प्रिंग बनता है वो अगर येलो हो जाता है और एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि ये येलो जो बना वो कौन सा इफेक्ट हुआ आंसर होगा जेनिया के कारण ऐसा हुआ ये आप आंसर करेंगे